गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड. सो स्टूडेंट, ओपन योर कॉलिंस इंग्लिश ग्रामर बुक. ओके, एंड ओपन चैप्टर नंबर 1. द नेम ऑफ योर चैप्टर इज द अल्फाबेट एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो डू यू नो, क्या आप जानते हो हाउ मेनी लेटर्स देर आर इन इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होती है? रीड द लेटर्स इन द अल्फाबेट ट्रेन्स. अब वो लेटर्स आप इस अल्फाबेट ट्रेन में रीड करोगे. सो लेट स्टार्ट. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स Y, Z. Okay? So these are 26 letters of alphabet. Okay? Hope you understand. And I'm sure you all know the 26 letters. Now turn page to page number 12. Okay? So alphabetically order. Read this list of words. यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं. Words बोलते हैं शब्दों को. Look at their first letter. इनके first letter आपको देखने हैं. Like ant, bat, cat, dog, eel, fish, got, hen. So इसका first letter क्या है? A. इसका first letter क्या है? B. C, D, E, F, G, H. तो ये हमारे alphabetically order से. So the words in the list are given in the order of the letters of the alphabet. ये जो words दिए गए हैं इसमें first letter क्या है? Alphabetically order में दिए गए हैं. A comes first. A क्या है? सबसे पहले आता है. B comes after A. B किसके बाद आ रहा है? A के बाद आ रहा है. And C comes after B. सी किसके बाद आ रहा है? बी के बाद आ रहा है. सो दिस इज हाउ इट इज इंग्लिश अल्फाबेट. इसे बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट. सो राइटिंग वर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकली ऑर्डर. तो जिस तरह से ये वर्ड्स लिखे जाते हैं तो वो हमारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर कहलाती है. सो रीना वॉन्ट टू फाइंड हर वे. रीना अपना रास्ता ढूंढ रही है. शी कैन ओनली स्टेप वन सर्कल विद लेटर्स ऑन दैम. राइट द मिसिंग लेटर्स एंड हेल्प रीना रीच होम. तो यहाँ पे उसने एक लेटर्स को ड्रॉप किया हुआ है. आपको उसको ए टू जेड से करके उसको उसके घर पहुंचाना है. सो फर्स्ट हमारा कुछ लेटर्स ऑलरेडी गिवन है. लाइक हमारा ए गिवन है, आई गिवन है और एन गिवन है, टी गिवन है और वाई गिवन है. तो ये हमें उसकी अल्फाबेट चेन उसको पूरी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रेडी करना है. लाइक ए बी सी डी ई एफ G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now Reena can reach her home. Reena अपने घर पहुंच गई है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको भी राइट करना है एज इट इज जैसे मैंने राइट किया हुआ है. नाउ बी एक्सरसाइजेस. राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स. अरेंज देम इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर. इन एनिमल्स को बर्ड्स को उनके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है और ये पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना है आपको बेसिकली. सो फर्स्ट वन इज कैट. सो सी ए टी कैट. नेक्स्ट इज लाइन यानी शेर. एल आई ओ एन लाइन. नेक्स्ट वन इज फ्रॉग मेंढक. एफ आर ओ जी फ्रॉग. नेक्स्ट इज पीकॉक यानी के मोर. पी ए सी ओ सी के पीकॉक. नेक्स्ट इज हैन. एच ई एन हैन. नेक्स्ट इज रैबिट. रैबिट मीन्स खरगोश. सो रैबिट. सो स्टूडेंट इस तरह से आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करना है. नाउ टर्न टू चैप्टर नंबर 2. द नेम ऑफ चैप्टर इज नेमिंग वर्ड्स. ओके, नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दिस. सो लुक एट द पिक्चर्स. नेम द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर्स. आप वो नेम्स देखिए जो इन पिक्चर्स में आपको दिख रहे हैं. आपको क्या दिख रहा है? एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, काफी सारे हैं. हॉर्स है, डंकी है, शीप है, पिग है, हैन है, डॉग है. और नेक्स्ट क्या है? ट्रीज है, नेस्ट है, गर्ल है, बॉय है, बाइसिकल है, ट्री है. तो ये सारे से काफी सारी चीजें हमें इस पिक्चर्स में दिखाई दे रही हैं. ऑल पीपल्स. पीपल्स मीन्स लोग. लाइक बॉय, गर्ल. प्लेसेस की जगह कैसी है? फार्म है. एनिमल्स. एनिमल्स जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको. एंड थिंग जैसे बाइसिकल हो गई, ये नेट हो गई. तो ये थिंग है. अस हैव अ नेम. इन सभी के अपने खुद के नेम है. नाउ टर्न टू पेज नंबर 14. सो हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम थिंग. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है जिसमें थिंग्स है, चीजों के बारे में है. देयर नेम्स आर इन द बॉक्स. इनके नेम्स कहाँ? इस बॉक्स में गिविन है. सो राइट द नेम ऑफ
थिंग्स अंडर द पिक्चर, जो पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके उनके नाम लिखने हैं. लाइक फर्स्ट क्या है हमारा कॉम, COMB कॉम. नेक्स्ट क्या है हमारा बॉटल, BOTTLE बॉटल. नेक्स्ट किस बनाना यानी केला, BANANA बनाना. नेक्स्ट इज बुक, BOOK बुक. नेक्स्ट वन इज पेंसिल, सो PENCIL पेंसिल. नेक्स्ट वन इज चेयर, सो CHAIR चेयर. नेक्स्ट वन इज एप्पल यानी सेब, APPLE एप्पल. नेक्स्ट वन इज शू, SHOE शू. एस नहीं लगाएंगे बिकॉज ये हमारा सिंगलर है, पैर नहीं है तो इसलिए हमने शू लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज बैग, BAG बैग. तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, कॉम, बॉटल, बनाना, बुक, पेंसिल, चेयर, एप्पल, शू, बैग. नाउ टर्न टू पेज नंबर 15. हियर इज इट नेम ऑफ एनिमल. यहाँ पे आपको नेम ऑफ एनिमल मिलेंगे. यहाँ पे इसमें क्या मिला था, नेम ऑफ थिंग मिले थे चीजों के नाम. अब यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, नेम ऑफ एनिमल. सो हियर आर द पिक्चर्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं आपको गिविन है ऑफ सम एनिमल्स एंड बर्ड्स, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स हैं. मैच ईच एनिमल्स विद इट्स नेम. इन एनिमल्स को उनके नेम से मैच करना है आपको. फर्स्ट क्या है हमारा, मंकी. तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कीजिए मंकी कहाँ है, तो मंकी से इसको मैच कर दीजिए. दिस वन इज मंकी, सो आई कैन ऑलरेडी मैच इट बट यू कैन मैच इट ऑल्सो इन योर बुक. नेक्स्ट वन इज जिराफ. तो हमने जिराफ फाइंड आउट करेंगे, जिराफ कहाँ है, सो हेयर इज इट जिराफ. तो हमने इसको जिराफ को उसके नेम के साथ मैच कर दिया. नेक्स्ट इज पैरट, पैरट को हमने पैरट से मैच कर दिया. नेक्स्ट वन इज एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी. तो एलिफेंट कहाँ है हमारा, यहाँ है, तो हमने मैच कर दिया. नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस, दिस इज टॉर्टॉइस यानी कछुआ. तो कछुआ कहाँ लिखा हुआ है, टॉर्टॉइस. दिस वन इज टॉर्टॉइस. नेक्स्ट इज टाइगर, सो टाइगर कहाँ है हमारे, यहाँ राइट है, तो हमने टाइगर की पिक्चर को टाइगर के नेम से मैच कर दिया. नेक्स्ट इज जेब्रा, जेब्रा कहाँ लिखा हुआ है, सो हियर इज इट, हमने जेब्रा से मैच कर दिया. नेक्स्ट इज गॉड, तो गॉड को हमने गॉड से मैच कर दिया. सो स्टूडेंट इस तरह से आपको भी ये करना है. नेक्स्ट टर्न टू पेज नंबर 16. सो नेम ऑफ पीपल, हमने नेम ऑफ थिंग पढ़ लिए, नेम ऑफ एनिमल और बर्ड्स पढ़ लिए. नाउ इट्स टाइम फॉर नेम ऑफ पीपल, लोगों के बारे में जानेंगे. सो हियर आर द पिक्चर ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों की है. देयर नेम्स इन द बॉक्स, नेम उनके बॉक्स में गिवन है. राइट द नेम्स ऑफ पीपल अंडर देयर पिक्चर्स, इस पिक्चर के नीचे उनके नेम राइट करनी है. सो यहाँ पे इस फर्स्ट पिक्चर में ये क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. सो हु टीचर्स, टीचर ना, सो फर्स्ट वन इज टीचर, TEACHER टीचर. नेक्स्ट वन इज ये क्या है, उनके पास मेडिसिन है और ये कुछ लिख रहे हैं. इट मीन्स ही इज अ डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर. नेक्स्ट वन इज, अब इस पिक्चर में ये क्या कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं किसी गर्ल की, ठीक है. तो इट मीन्स ये कौन हुए, पेंटर, PAINTER पेंटर. नेक्स्ट वन इज ये क्या है, इनके पास ट्रक है, ट्रक है इनके पास. इट मीन्स ये कौन हो सकते हैं, कौन है जो ट्रक वगैरह चलाते हैं, फार्मर, FARMER फार्मर. नेक्स्ट इनके पीछे ये यूनिफॉर्म वेयर किए हुए हैं, उनके पीछे गाड़ी भी है. तो कौन ऐसा होता है जो यूनिफॉर्म पहन के गाड़ी चलाता है, यस ड्राइवर. सो DRIVER ड्राइवर. नेक्स्ट शी कैन डांस, ये डांस कर रही है. डांस कौन करता है, डांसर करते हैं. इट मीन्स शी इज डांसर, सो DANCER डांसर. नेक्स्ट इज अब ही स्टिच द क्लोथ, ये कपड़े सी रहे हैं. कपड़े कौन सीता है, यस कपड़े टेलर स्टिच करता है. इट मीन्स ही इज अ टेलर, TAILOR टेलर. नेक्स्ट इज ही कैन सिंग, ये गाना गा रहे हैं, इनके हाथ में गिटार है और माइक है. इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं. तो ये कौन हुए, सिंगर, SINGER सिंगर. नेक्स्ट कैमरा है और ये कुछ एक्शंस कर रहे हैं, तो ये कौन होंगे, एक्टर, ACTOR एक्टर. ओके सो टीचर, डॉक्टर, पेंटर, फार्मर, ड्राइवर, डांसर, टेलर, सिंगर, एक्टर. ओके नेक्स्ट मूव ऑन टू पेज नंबर 17. नेक्स्ट इज नेम ऑफ प्लेसेस यानी कि जगहों के नेम के बारे में. सो हियर आर द पिक्चर्स ऑफ सम प्लेसेस, कुछ जगहों की हैं. देयर नेम्स इन द बॉक्स, उनके नेम्स गिवन है बॉक्स में. राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस अंडर देयर पिक्चर्स, इस पिक्चर के नीचे उनके नेम राइट करने. तो फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट वी कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर,
park. So I can write it here park. P-A-R-K, park. In next picture, we can see post office. It means, हमें क्या है ये हमारा post office है. तो हमने ये write कर दिया name. P-O-S-T, post. O-F-F-I-C-E, office. So post office. In next picture, we can see animals, lots of trees, plants. It means this is a forest, jungle. F-O-R-E-S-T, forest. In next picture, we can see there's aeroplanes, buildings, aeroplane flying. It means which place is this? This is airport. So, A-I-R-P-O-R-T, airport. Because airport यहाँ पे already right भी है. तो it means क्या है? Obviously, ये हमारा airport ही होगा. Okay, next is, इसमें क्या है? Ambulance खड़ी भी है. एम्बुलेंस खड़ी है ओके okay? और प्लस का साइन है. ये साइन कहाँ होता है? एम्बुलेंस और प्लस का साइन कहाँ होता है? डॉक्टर के लिए होता है. इट मीन्स दिस प्लेस इज अ हॉस्पिटल. सो एच ओ एस पी आई टी ए एल, हॉस्पिटल. नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे क्या है? स्कूल बस लिखा हुआ है और लोग क्यू में खड़े हैं. तो विच प्लेस इज दिस? दिस इज बस स्टॉप. बी यू एस एस टी ओ पी, स्टॉप, बस स्टॉप. ठीक है. सो पार्क, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, फॉरेस्ट, बस स्टॉप. तो इस तरह से आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया स्टूडेंट्स? आप लोगों ने नेम ऑफ थिंग्स सीख लिए, नेम ऑफ एनिमल्स आ गए आपको, नेम ऑफ पीपल्स क्या होती है, नेम ऑफ प्लेसेस क्या होती है, आपने ये सब सीख लिया है. नाउ वी डू द कंबाइंड एक्सरसाइज. सो यू हैव नाउ लेटर्स. ओके, सो यू हैव नाउ लर्न दैट वी वर्ड, दैट वर्ड्स वी यूज फॉर नेमिंग. अब ये वर्ड्स क्या है हमारे? ये सारे हमारे नेमिंग वर्ड्स है. ओके, विच वर्ड इज दिस? दिस इज ऑल आर नेमिंग वर्ड्स. सो सम वर्ड्स आर द नेम ऑफ थिंग. कुछ वर्ड्स क्या है? नेम ऑफ थिंग्स है, चीजों के नाम है. सम वर्ड्स आर द नेम ऑफ एनिमल्स और बर्ड. कुछ वर्ड्स जो है हमारे नेम है एनिमल्स और बर्ड्स के. एंड सम वर्ड्स आर द नेम ऑफ पीपल. कुछ वर्ड्स कैसे है? नेम ऑफ पीपल, लोगों के नाम है. सम वर्ड्स आर द नेम ऑफ प्लेसेस. कुछ वर्ड कैसे हैं? नेम ऑफ प्लेसेस, जगहों के नाम है. सो दीज वर्ड्स आर द नेमिंग वर्ड्स. ये वर्ड्स हमारे क्या कहलाएंगे? ये वर्ड्स हमारे कहलाएंगे नेमिंग वर्ड्स. ओके, सो राइट दीज नेम्स इन द करेक्ट कॉलम. अब आपको क्या करना है? इनके नेम करेक्ट कॉलम में राइट करनी है. सो फर्स्ट इज ट्रेन, नर्स, जेब्रा, रेजर, हिल्स, सिटी, डंकी, फादर, कैट, बॉक्स, बेबी, गार्डन. सो ट्रेन क्या होगी हमारी? ट्रेन हमारी थिंग होगी. तो इसे हम कहाँ राइट करेंगे? थिंग में राइट कर देंगे, ट्रेन. नेक्स्ट नर्स. नर्स क्या है? नेम ऑफ पीपल, किसी इंसान का नाम है. तो नर्स पीपल में राइट करेंगे. जेब्रा एनिमल में राइट करेंगे, एनिमल के कॉलम में. इरेजर थिंग के कॉलम में राइट करेंगे. नेक्स्ट इज हिल्स. हिल्स प्लेस के कॉलम में राइट करेंगे. सिटी, सिटी यानी शहर ही प्लेस है तो हम सिटी के कॉलम में राइट करेंगे. डंकी, डंकी इज ऑल्सो एनिमल. फादर, फादर इज द नेम ऑफ फर्स्ट पीपल. Cat, cat is also an animal. Box, box is the example of thing. Baby, baby is the example of people. Next is garden. Garden is the example of place. So nurse, father, baby, hills, city, garden. Zebra, donkey, cat, train, eraser, box. Okay? तो इस तरह से हमने इसको complete कर लिया है. Now move on to page number 19. अब इसमें क्या है? Circle the naming words in the box. इस बॉक्स में काफी सारे नेमिंग वर्ड्स है, आपको सर्कल करनी है. सो इसमें गर्ल, ईट, स्लो, वेरी, पेपर. इसमें नेमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? गर्ल हमारे नेमिंग वर्ड्स है, ईट स्लो नेमिंग वर्ड्स नहीं है, वेरी भी कोई नेमिंग वर्ड नहीं होता है, पेपर भी कोई नेमिंग वर्ड नहीं होता है. पेपर हमारा नेमिंग वर्ड होता है तो हमने पेपर को और गर्ल को सर्कल कर लिया. नेक्स्ट इज हैप्पी. हैप्पी हमारी फीलिंग होती है. गार्डन प्लेस है. अम्ब्रेला थिंग है तो उन दोनों को सर्कल करेंगे. टॉल हाइट होती है, कुछ नहीं है. टेबल, टेबल भी थिंग है तो इसे हम इसे भी सर्किल कर देंगे. नेक्स्ट इज कैच. कैच एनिमल है, सर्किल करेंगे. जम मीन्स कूदना, ये कुछ नहीं है. शर्ट, शर्ट हमारी थिंग है. ओल्ड, ओल्ड कुछ नहीं होता है. फेयर नुमाइश होती है तो ये भी थिंग है हमारी. टीवी, टीवी थिंग में आता है. क्रो एनिमल है इसलिए सर्किल करेंगे. सिंग गाना, कुछ नहीं होता. डेस्क टेबल के लिए बोलते हैं तो इसे भी सर्किल करेंगे, थिंग है बिकॉज ये. स्कर्ट, स्कर्ट क्लोज में आता है जो कि थिंग है. नेक्स्ट रन कूदना, दौड़ना कोई थिंग नहीं है. रोज, रोज हमारा फ्लावर है जो कि थिंग में आता है. नेक्स्ट ब्यूटीफुल, ये खूबसूरती बता रहा है तो ये हमारा थिंग नहीं है. नेक्स्ट टीच,
टीच पढ़ाना है, ये क्वालिटी है, तो ये हमारा नेमिंग वर्ड नहीं है। नेक्स्ट है डॉग, डॉग हमारा क्या है, एनिमल है, इसलिए हमने उसे भी सर्कल कर दिया। तो इस तरह से यहाँ सारे वर्ड्स हमारे सर्किल होंगे। नेक्स्ट है सर्कल द नेमिंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंसेस में हमारे जो जो वर्ड्स गिवन है उनमें जो नेमिंग वर्ड्स है उनको सर्कल करना है। जैसे कि आई ऑलरेडी डन इट, द लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल, लॉयन किंग जंगल। ओके, वी लिव इन अ सिटी, हम सिटी में रहते हैं, शहर में, तो सिटी जो है नेम ऑफ प्लेस है, इसलिए हमने इसे सर्किल कर दिया। द विलेज, विलेज भी प्लेस है, इज नियर द रिवर, रिवर रिवर हमारे प्लेस है और विलेज प्लेस है, इसलिए हमने सर्किल कर दिया। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, नेम ऑफ पीपल, इसे सर्किल कर दिया। आर प्लेइंग, माई कैट, कैट क्या है, एनिमल है। ड्रिंक मिल्क, मिल्क क्या है, हमारा थिंग है, इसलिए हमने सर्किल किया है। राजू, नेम ऑफ पीपल है। गोज टू स्कूल, स्कूल क्या है, हमारा प्लेस है। एवरी डे, डे क्या होती है, हमारे थिंग में आती, तो हमने इसे सर्किल कर दिया। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद नेमिंग वर्ड्स, इन पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके नेम राइट करनी है। फर्स्ट वन इज देयर आर मैनी एनिमल्स इन, काफी सारे एनिमल्स कहाँ पर होते हैं, जू में। डैश लिव इन रिवर, रिवर में कौन रहता है, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है हमें, फिश दिखाई दे रही है, सो हमने यहाँ फिश राइट कर दिया। नेक्स्ट इज वी स्टडी इन, हम स्टडी कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल में, सो एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल। नेक्स्ट वी प्ले इन अ डैश, हम कहाँ खेलते हैं, पार्क में, तो हमने यहाँ पार्क राइट कर दिया। ओके, सो स्टूडेंट इस तरह से, जिस तरह से मैंने बुक फिल की है, सेम एज इट इज आपको भी बुक फिल करनी है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस बो चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।